हाई गाई वेलकम अगेन ऑन माई चैनल रेमी ब्लॉग्स आई एम रिमशा शराज एंड चलते हैं आज की वीडियो की तरफ जैसा कि टाइटल से तो आपने देख ही लिया होगा कि मैं आज जीज़ा ब्यूटी क्रीम के बारे में रिव्यूज़ दूंगी तो चलें पहले ज़रा मॉर्निंग रूटीन देख लेते हैं चाय चाय पी लेते हैं फिर हम चलते हैं मार्केट तो मैं अब आपको मिलूँगी मार्केट में तो कुछ चीज़ें लेनी है और कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स लेने हैं जो मतलब मैं आपसे जो आज डिस्कस करने वाली हूँ तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और ये हम आ गए हैं मार्केट और अब हम कुछ चीज़ें लेंगे और वॉग मेरा जो व्लॉग है वो आप लोगों ने एंड तक देखना है क्योंकि मैं इसमें आज अपना सीक्रेट शेयर करने लगी हूँ कि मैं अपनी स्किन पे क्या लगाती हूँ वो भी लेना है लेने जा रही हूँ और मेरा भी दिल कर रहा है कि पहले क्यों ना थोड़ा घूम फिर लिया जाए और फिर उसके बाद चल के गोलगप्पे खाते हैं ठीक है तो अभी मैं ना शिराज़ से कहती हूँ कि यहाँ से निकलेंगे देखें गाड़ी फंस गई है यहाँ पर थोड़ा ये आगे वाला बंदा निकल जाए तो फिर हम निकलते हैं और थोड़ा सा गाने शने भी हो जाए बीच में ये देखें जनाब कितने मजे के गोलगप्पे हैं ये अब जो है ना ये खाने लगे हैं और थोड़ी सी शॉपिंग हमने कर लिया अब इधर आए हैं और अब मैंने ना मेरा दिल कर रहा है सूप पीने का तो फिर हमने सूप भी मंगा लिया ये देखें कितने मजे का लगा और सर्दियों में तो वैसे भी इतना अच्छा लगता है चलें ये कर लें तो फिर हम आगे चलते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ बर्कर खुवाओ इन्होंने पराठे खवाओ कड़ाई खवाओं खाओ ये क्या हो रहा है इधर तो ये जनाब हम आ गए हैं शॉप पे अब ज़रा शाम का टाइम होता जा रहा है हम घूम फिर लिए चीज़ें ले ली हैं और मैंने कहा इनसे हम अपनी प्रोडक्ट ले लें ले, जिसके बारे में हमने आज रिव्यू देना है हाँ जी ये देखें जीजा वाइटनिंग क्रीम तो ये हमने सब चीज़ कुछ ले लिया देखें अब शाम का टाइम हो गया हमने कहा थोड़ी वॉक कर लें क्योंकि और मुझे जाते जाते ना यहाँ पे एक आइसक्रीम नज़र आई है तो मैंने कहा आइसक्रीम खा लीजिए इसके बाद घर चलते हैं और फिर और फिर चल के हम अपना फ़ीडबैक देते हैं आज की प्रोडक्ट पे तो जनाब हम घर आ गए और ये देखें ये है जीजा वाइटनिंग क्रीम इसके आज हम देने लगे हैं रिव्यूज फीडबैक तो सबसे पहले तो मैं ये जो मेरी वीडियो है ये उन लेडीज़ के लिए है जो जॉब वगैरह करती हैं उनका डेली मतलब बाहर आना जाना है और उनको जैसे बहुत सी लेडीज़ के लिए मैंने ये वीडियो बनाई क्योंकि मुझे सुनने को मिलता है कि हम जो हैं हमें जॉब के लिए जाना है बाहर तो हम अपनी स्किन का किस तरह ख्याल रखें और हम क्या लगाएं ये वो तो क्योंकि जाहिर है अक्सर आप ऐसी ए, क्रीम्स ऐसी यूज़ कर लेते हैं वाइटनिंग जो ना आ, जिसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं जैसे कि आपको फिर छाइयाँ और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो उसका उसकी जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं वो फेस करनी पड़ती हैं तो आ, मैं आपको एक बात बताती हूँ मैं जो हूँ ना मैं जो भी इस YouTube पे जो चीज़ भी जो है ना अप्लाई करूंगी और जो कुछ भी करूँगी वो मैंने अपनी स्किन पे पर्सनली अप्लाई किया हुआ होगा पहले तो इस तरह से मैं आप लोगों को सच सच बताऊंगी कि आप अपनी स्किन की रूटीन में क्या यूज करें क्या लें तो मैं बात को ज्यादा लंबा निकलती चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये इसके जो है अभी मैं इसके आपके सामने इसको ओपन करूंगी क्योंकि मैं ये बहुत ज्यादा यूज करती हूँ पर्सनली मैं आपको बता रही हूँ इसका इसकी सबसे अच्छी बात यह कि ये जो है ना जीजा ब्यूटी क्रीम इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है जैसे हमारे होती है ना खतरनाक खतरनाक जो क्रीमें होती हैं फौरन गोरा कर देती हैं स्किन के ऊपर से आपका मास्क बिल्कुल पतला कर देती हैं और उससे इतना ज्यादा बाद में नुकसान आते हैं इतने नुकसान होते हैं बाद में औरतों के कि इवन कि वो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि बहुत सारी जो लेडीज हैं वो जारी होती हैं डॉक्टर्स के पास एट द एंड कि हमारी स्किन के लिए कुछ करें या करें वो करें और इवन के ऐसी-ऐसी खतरनाक केमिकल्स उसमें होते हैं कि स्किन कैंसर का भी अलमाफ करें स्किन कैंसर का भी हमें देखने में आया है तो मैं आपको बताती हूँ ये जो क्रीम है ना ये तो पहली बात यह कि हर शॉप से नहीं मिलेगी आपको ठीक है इसके बारे में मैं डिटेल्स में मैं आपको बताती हूँ ये मैं बहुत अच्छे से यूज़ कर रही हूँ पर्सनली इसे ओपन करते हैं ये देखें मैंने इसे ओपन किया और आपको ये बताऊंगी कि ये किसी भी शॉप से नहीं मिलती ये किसी एक क्योंकि ये खुद है घर में बनाई हुई होम मेड है और ये उन लोगों ने खुद बनाई है पहले लोगों को इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता तो ये पर्सनली इसकी ना सबसे अच्छी बात यह कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और ये बिल्कुल केमिकल जो है ना उससे जो है पाक है बहुत ज़बरदस्त मैं इसको ओपन करती हूँ इसको और ये देखें आप ना ये देखें इसके ऊपर इसकी ओरिजिनल देख लें ओरिजिनल ऐसी होगी मैं आपको बताने क्योंकि ये मिलेगी कहाँ से आपको ठीक है जीजा ओके okay. तो ना आप ना जैसे इसको देखें ये अंदर से कैसी है देखिए कैमरे में मैं आपको दिखाती हूँ ये देखिए ये सिर्फ गगन टू से मिलेगी जी तो अब हम इसे ओपन करके देखते हैं ये देखें आप मैंने इसे ओपन किया और ये देखें इसके अंदर से कैसी शक्ल है ठीक है अब ये जो है ना जीजा वाइटनिंग क्रीम ये आपको मिलेगी गगन टू से सही है गगन टू का मैं एड्रेस और जो उनका कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैं डाल दूंगी उधर डिस्क्रिप्शन में और उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगी आप लोगों को और एक और खुशखबरी आपके लिए कि जो आ, लोग हैं जो इधर नहीं रहते हमारे इस वाले एरिया में तो उनको अगर चाहिए आउट ऑफ सिटी हैं जो कुछ भी तो ये जो है ना डिलीवरी वगैरह भी इनकी वो कर देंगे बस आप उनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा और इसकी मैं हंड्रेड परसेंट गारंटी देती हूँ कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है क्योंकि ये मैंने पर्सनली अपनी स्किन पे इतने अरसे से मतलब ये नहीं कि अभी स्टार्ट की तो मैं आपको बताने जा रही हूँ इतने अरसे से मैं ये यूज़ कर रही हूँ और ये अब जो है ना मैं प्रेफ़र करती हूँ कि ऐसी क्रीमें जो आपको लॉन्ग टर्म में आपके साथ चले ये नहीं कि आगे चल के आपका स्किन जो है वो छाइयों से और दानों से भर जाइए ऐसा नहीं होना चाहिए आप लोग अगर मेरे में चलते हैं तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि जीज़ा जो क्रीम है जीज़ा ब्यूटी क्रीम जो है वाइटनिंग क्रीम है ये बेस्ट है और इसमें सारा हर्बल और उस तरह की चीज़ें भी हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इसको मैं अप्लाई करने का तरीका बताती हूँ आप लोगों ने ना अपनी स्किन पे ना बताती हूँ कैसे बता लगानी है ये आप लोगों ने रात को अपना सोने से पहले एक और आपको टिप देने लगी हूँ कि आप वाइटनिंग क्रीम या कोई भी ऐसी क्रीम है तो कैसे यूज करें सबसे पहले रात को आप अपनी जो स्किन है जो फेस है वो वॉश करें और देन आप लोग फिर ना गर्म पानी से कोशिश करें कि मुँह धोएं ठीक है धो लिया उसके बाद बाद ना आप हल्का सा कोई मॉइस्चराइजिंग जो है लोशन वो हल्का सा अप्लाई करें हल्का सा बिल्कुल जैसे इन जगहों पे इन जगहों पे करें और इधर कर लें और जो जो मतलब सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं ना उधर आप अप्लाई कर लें ठीक है मॉइस्चराइजिंग क्रीम सही हो गया तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने मैं ये खोल कर दिखाती हूँ इस तरह इसको कभी भी बहुत चीज़ ज़्यादा ना लगाया करें कि वही ज़्यादा लगाएंगे तो गोरे हो जाएंगे ऐसा नहीं होता जो स्किन का कलर होता है वही नेचुरल होता है बस ये होता है कि इन क्रीमों से ना क्वालिटी की आप क्रीमें यूज़ करें ना तो थोड़ा सा इनहेंस कर देता है वो आपके मतलब तो आप ज़्यादा अच्छे लगने लग जाते हैं ये देखें मैं आपको बताती हूँ ये मैं इस तरह अप्लाई कर रही हूँ ठीक है ये आपने ना इस तरह अप्लाई करनी है कि ये आपके स्किन में अब्जॉर्व हो जाए और मतलब ऊपर ऊपर फैली हुई नजर ना आए कि बस जैसे पैचेस ना हो इसको आपने एब्जॉर्व करना है अपनी स्किन में और मैं आपको बताती हूँ एक और बात जब आप मॉइस्चराइज मॉइस्चराइजर करेंगे ना यूज उसके ऊपर लगाएंगे तो ये डबल ये आपको मैं एक टिप ही दे रही हूँ कह लें कि कोई भी चीज अप्लाई करें फॉरन स्किन पर अप्लाई मत करें सबसे पहले आप एक मॉइस्चराइजर लें वो हल्का सा अप्लाई करें और उसके ऊपर जब आप अप्लाई करेंगे या वेजलिन ले लें वेजलिन पेट्रोलियम जेली होती है ना वो यूज कर लें वो जब आप लगा लेंगे उसके बाद ये आप अप्लाई करेंगे ना तो उसका जो होता है ना मतलब कि इसका रिजल्ट डबल हो जाता है सही है और ये मतलब कि डबल काम करती है ये जो चीज़ है तो देखें मैंने अपनी आपको स्किन पे अप्लाई करके दिखाया ये देखें ये देखें कितना ज़्यादा ना मैं आपको दिखाती हूँ सही से ये देखें ऐसे अप्लाई किए देखें इस जगह पर ऐसा थोड़ा सा वो हो गया स्मूथ भी हो गया देख रहे हैं नज़र आ रहे हैं तो ये देखें तो आज जो मैं आपको यही मेरा बताने का मकसद था कि आप जब भी स्किन पे कोई चीज़ अप्लाई करें वो प्रॉपर मतलब क्वालिटी वाइज आप यूज करें ये नहीं कि आप कोई भी हरी गरी क्रीम उठा के यूज कर लेंगे उसका बहुत ज्यादा नुकसान होता है और एक और बात मैं आपको अब एक पूरा ब्लॉग जो है उसमें कवर करूँगी कि हु, स्किन के लिए आपको विंटर्स में क्या करना चाहिए और समर में क्या क्या रूटीन रखनी चाहिए आपको स्किन की ओके okay, तो आप ये गगन टू जो है गगन टू ये याद रखिएगा क्योंकि गगन की ना यहाँ पे टू दो शॉप्स हैं ठीक है थीके? तो एक है गगन वन एक है गगन टू ये जो स्पेशल क्रीम है ना जीज़ा वाइटनिंग क्रीम ये सिर्फ और सिर्फ गगन टू के पास है गगन वन के पास मेरे पास नहीं है मेरे ख्याल से और बाकी तो किसी मार्केट शॉप वगैरह पर नहीं है अभी ये सिर्फ इन्होंने इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस कराई है गगन टू वालों ने तो आप लोग इनका नंबर भी ले लें और मेरे से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझे आप कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी और अगर आपको चाहिए तो आप लोग उनसे खुद कॉन्टैक्ट करें या जो इधर इसी सिटी के हैं वो तो चले जाएँ उनको तो पता होगा गगन टू का वरना आपके पास जो उनकी डिस्क्रिप्शन में नंबर वो सब होगा वो आप उधर जाके कर सकते हैं तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा जो ये जो है ये जो मैंने आपके साथ टिप अपनी जो सीक्रेट एक कह लें कि मैंने आपके साथ आज अपना एक सीक्रेट शेयर किया है कि मैं अपनी स्किन पे क्या अप्लाई करती हूँ तो मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा काइंडली और ये आप देख लें और आई uh, होप um, के अगला जो मेरा व्लॉग होगा वो किसी अच्छी सी ब्यूटी टिप के ऊपर होगा या किसी अच्छी सी रूटीन के ऊपर होगा देन आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़